करना आज का सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था अपना सिंगलटन क्लास का, राइट। और अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें वही सिंगलटन क्लास के कंसेप्ट के एग्जाम्पल को फ्रेम कर देखना है ना। अब अगर अपन बात करें कि सिंगलटन क्लास बेसिकली होता क्या है ना, तो सिंगलटन क्लास की अगर अपन बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको थ्योरी बताई थी, है ना, कि सिंगलटन क्लास इज अ क्लास विच कैन हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, है ना, जिसका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट एक बार में होता है। अनदर टाइम अगर आप फिर से कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो जो नया रेफरेंस वेरिएबल कंसिडर होगा वो पुराना जो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हुआ है उसी को ही रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा। इसके लिए दो नेसेसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, मेक कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, क्या आपको आपका कंस्ट्रक्टर क्या बनाना पड़ेगा, प्राइवेट बनाना पड़ेगा। और सेकंड पॉइंट क्या बताया था कि यू नीड टू मेक अ स्टैटिक मेथड हुज रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट इज ऑफ दैट सिंगलटन क्लास, कि उसका जो रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट होगा है ना वो किस टाइप का होगा, उसे सिंगलटन टाइप का होगा, ये हमने देखा था। तो इसमें भी आपने देखा था कि दो टाइप के क्या होते हैं आपके पास में सिंगलटन क्लास के अंदर, इनिशियलाइजेशन होते हैं लेजी इनिशियलाइजेशन और ईगर इनिशियलाइजेशन। लेजी इनिशियलाइजेशन के केस में आप क्या बोलेंगे कि आपको जब ऑब्जेक्ट लगेगा तभी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं। और ईगर इनिशियलाइजेशन में क्या हो जाएगा कि आपको नीड हो या ना हो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ही जाएगा। तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो अपन देखते हैं यहाँ पर अपना एक एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया कि यार demo1.java, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अपन दिखाया है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ सिंगलटन क्लास, है ना। मैंने क्या लिखा, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ सिंगलटन क्लास, है ना। सिंगलटन क्लास का कंसेप्ट अपने को देखना है। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो अब ध्यान से देखना, मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है क्लास, क्लास में मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले तो demo1। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग args, ज्यादा क्लियर है सभी को। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो हमें कंसेप्ट देखना है किसका, सिंगलटन क्लास का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगलटन, है ना। मैंने सिंगलटन नाम से क्या बना ली, एक क्लास बना ली। अब सिंगलटन नाम से क्लास बना ली, अब उसके बाद में मुझे करना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ पर दो चीजें करना रहेगी। सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर क्या बनाना पड़ेगा, प्राइवेट बनाना पड़ेगा। तो आप अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो अब उसके भी पहले आप चीज एक ये देखो कि अगर मैं यहाँ पर आकर क्या लिखता हूँ, सिंगलटन, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है obj इक्वल्स टू, मैंने लिखा है न्यू, और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, सिंगलटन, राइट। मैंने ऐसा कुछ करा, अब यहाँ पर मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है ना, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर इसे कमांड प्रॉम्प्ट पर ओपन किया, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आपने लिखा जावा सी, आपने लिखा है demo1.java, ये सक्सेसफुली कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद में अगर मैं इसे रन करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सक्सेसफुली रन हो गया, हाँ है ना। अब लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर प्राइवेट और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंगलटन। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपने क्या करा है, कंस्ट्रक्टर बनाया है, और उस कंस्ट्रक्टर को कैसा बना दिया, एज अ प्राइवेट बना दिया है। तो अगर आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप किसी दूसरे क्लास में नहीं बना सकते। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अगर आपने इसको कंपाइल करने की कोशिश करी, तो देखो उसने क्या बोल दिया, सिंगलटन हैज प्राइवेट एक्सेस इन सिंगलटन, और अब आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन इसके पहले आप बना पा रहे थे ना, क्लियर है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट फॉलो किया है, और सबसे पहले पॉइंट में आपने क्या बोला है, सबसे पहले पॉइंट में आपने बोला है मेक कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मेक कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, ठीक है, अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ कर दिया। अब इसके बाद में, तो अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, तो इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो दूसरी चीज ये कि अब आपको यहाँ पर एक स्टैटिक मेथड बनानी है ना। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, मेक स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तब यहाँ पर मैं स्टैटिक मेथड बनाऊंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टैटिक, और स्टैटिक में मैंने यहाँ पे मेथड का नाम क्या लिख दिया, गेट इंस्टांस, मैंने ऐसा लिख दिया, राइट। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, स्टैटिक, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, गेट इंस्टांस। अब स्टैटिक और स्टैटिक में मैंने गेट इंस्टांस लिखा है, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपको रिटर्न करना रहेगा। अब रिटर्न आप क्या करोगे, तो रिटर्न आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट करोगे। अब ऑब्जेक्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, तो अब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपली क्या, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सिंगलटन क्लास। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सिंगलटन क्लास। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा है सिंगलटन, मैंने लिखा है यहाँ पर इंस्टांस इक्वल्स टू न्यू, और मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, सिंगलटन, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया।
अब अगर अपन बात करिए, मैंने ऐसा लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है इंस्टांस, तो अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो मैंने इंस्टांस लिखा है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा, क्या रिटर्न करूंगा, तो मैंने यहाँ पर आकर रिटर्न करा है इंस्टांस। अब लेकिन ये इंस्टांस किस टाइप का है, तो ये इंस्टांस आपका सिंगलटन टाइप का है, तो आपको यहाँ पर इसका मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या लिखना पड़ेगा, सिंगलटन लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज ये पता है कि अगर आप किसी मेथड को स्टैटिक बना देते हो, तो वो स्टैटिक चीजों को एक्सेस करती है, तो आपको यहाँ पर इस क्लास के ऑब्जेक्ट को भी कैसा बनाना पड़ेगा, स्टैटिक बनाना पड़ेगा। आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, स्टैटिक, ये लिखे यहाँ तक, तभी आपने यहाँ पर इसको स्टैटिक बना दिया। अब अगर अपन बात करें, तो मैंने यहाँ पर इसके इंस्टांस को स्टैटिक बना दिया, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे स्टैटिक मेथड बना के उसमें से उसको रिटर्न करवा दिया, और मैंने कंस्ट्रक्टर को क्या बना दिया, एज अ प्राइवेट बना दिया। क्लियर है? अब जैसे आप यहाँ पर इसको प्राइवेट बना रहे हो, सिमिलरली अब आप यहाँ पे क्या करो कि अब यहाँ पर अपन इसको भी क्या बना देते हैं, प्राइवेट बना देते हैं, अपन इसको भी क्या बना देते हैं, यहाँ पर प्राइवेट बना देते हैं। प्राइवेट बनाने से क्या होगा कि ताकि आप उस चीज को है ना बाहर से एक्सेस ना कर सको। सब बोलते हैं ना कि प्राइवेट चीजें सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होती है, बाहर से एक्सेसिबल नहीं होती है। तो मैंने उसको क्या बना दिया, यहाँ पर एज अ प्राइवेट बना दिया, ताकि वो बाहर से एक्सेसिबल ना हो। ये रहे यहाँ तक, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इधर चलो ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक और चीज कि इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर आकर है ना, मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, तो यहाँ पर आकर मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक बना दिया। मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर आकर स्टैटिक एक ब्लॉक बना दिया, या फिर अपन एक काम करते हैं कि स्टैटिक मेथड ही बना देता हूँ। मैंने लिख दिया है void display। क्लियर है यहाँ तक? और मैंने अब क्या करा है, यहाँ पर आकर तो मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर डिस्प्ले मेथड कॉल्ड, और यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो प्रिंट एलन में मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया है क्या, ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे लिख दो इंस्टांस, ठीक है, ये मैंने ऐसा लिख दिया इंस्टांस। और इंस्टांस लिखने के बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अब इंस्टांस लिखने के बाद में मैंने यहाँ पर कर दिया है क्या प्लस, और अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जो इंस्टांस मैंने ऊपर बनाया है मैंने वो लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? प्राइवेट इसलिए बनाया है ताकि आप उसको कहीं बाहर से एक्सेस ना कर सको। मतलब प्राइवेट अपन बोलते हैं ना कि अगर मैंने प्राइवेट बना दिया है तो उस क्लास के अंदर ही आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बाहर से कहीं से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, स्टैटिक है ना, है ना। अब स्टैटिक है तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पे कि अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि ठीक है, मैंने उसको स्टैटिक तो बनाया, अपन ने यहाँ पर आया, अपन मैं अभी प्राइवेट नहीं लिखता हूँ, मैं अभी मैंने प्राइवेट नहीं लिखा है ना, मैंने उसको सेव किया। अगर मैं यहाँ पर आकर उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंस्टांस, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे प्लस, और मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, सिंगलटन डॉट इंस्टांस। अपन आते हैं यहाँ पर, एक बार इसे क्लियर करते, एक बार इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, रन किया, तो ये प्रिंट हो गया। अगर अपन प्राइवेट बनाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर ये प्राइवेट वो काम करेगा क्या, इसको रेस्ट्रिक्ट करने का, या फिर ये प्राइवेट सिर्फ वो मेथड के लिए। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे क्या करा है, सक्सेसफुली कंपाइल करने की कोशिश करी, तो देखो इसने क्या बोल दिया, इंस्टांस प्राइवेट एक्सेस इन सिंगलटन, ठीक है। आप डायरेक्टली उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए आपने उसको क्या बना दिया, एज अ प्राइवेट बना दिया, ठीक है। ये तो मैंने उसको प्राइवेट बना दिया, क्लियर है यहाँ तक? अब अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, तो मैंने उसे प्राइवेट बना दिया, मैंने यहाँ से इंस्टांस रिटर्न करवा दिया, और मैंने यहाँ से इसको प्रिंट करवा दिया। अब मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो मैंने सिंपली लिखा है सिंगलटन, और सिंगलटन के बाद में मैंने इसको कॉल किया, यहाँ पे डिस्प्ले नाम के मेथड को कॉल किया। क्लियर है? मैंने तो किसको कॉल किया है, मैंने सिर्फ डिस्प्ले नाम के मेथड को कॉल किया है ना। मैं यहाँ पर आया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करने के बाद में अपने यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर इसको एंटर किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर इसने इसको रन किया, तो देखो क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि वो इंस्टांस में लिखा हुआ है ना, सिंगलटन एट द रेट 1db9742,
ये क्या है, या आपका डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट है ना, मैंने तो सिर्फ डिस्प्ले को कॉल किया था, मैंने थोड़ी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी, बट इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो आपका क्रिएट हो गया है। क्लियर है? तो ये आपका जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसका है, तो ये एग्जाम्पल है आपका ईगर इनिशियलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है ईगर इनिशियलाइजेशन का, और अब आपको ये देखना है कि हाँ एक ही ऑब्जेक्ट बना है ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो अब आपको अगर वैसा देखना है तो आप यहाँ लिखोगे सिंगलटन, आपने अभी क्या लिखा है, आपने लिखा है इंस्टांस, ठीक है, इक्वल्स टू, और अब आप यहाँ लिखोगे यहाँ पे सिंगलटन डॉट गेट इंस्टांस नाम के मेथड को कॉल करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वो इंस्टांस मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब आपने यहाँ पे क्या करा है, तो आपने यहाँ पर आकर सिंपली क्या क्रिएट किया है, आपने यहाँ पे क्रिएट किया है INSTANCE इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल की केस में आपने क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है यहाँ पर वैल्यू इक्वल्स टू, आपने कितना कर दिया है 100। अभी तो आपको भी पता है ना, जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो वैल्यू एक नई नई मेमोरी एलोकेट करेगा। मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पर आकर सिस्टम है ना डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे वैल्यू, और वैल्यू के केस में मैंने क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इंस्टांस डॉट वैल्यू, मैंने उसको एक्सेस करने की कोशिश करी है ना, मैंने उसको एक्सेस करने की कोशिश करी, और एक्सेस करने की कोशिश के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैं इंस्टांस डॉट वैल्यू लिखूंगा प्लस इक्वल्स टू, मैंने उसमें फिर से 100 भी ऐड कर दिया, और मैंने उसको फिर से एक्सेस करने की कोशिश करी। तो समझ में आया, मतलब मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इंस्टांस गेट कर लिया, उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब मैं वैल्यू को एक्सेस करूंगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। फिर मैंने क्या करा, मैंने बोला एक काम करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है उसमें 100 और ऐड कर देते, तो वो 200 हो जाएगा। मैंने बोला कैसे, तो आप प्रिंट करवा कर देख लो, तो आपने प्रिंट करवा कर देखा, तो यहाँ पर आपको 200 मिल जाएगा। आप देखो इसको रन करके, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, आप यहाँ पर आए इसको रन करोगे तो देखो 100 और आपको कितना मिल गया, 200। क्लियर है? अब आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि एक और ऑब्जेक्ट बनाया जाए, तो आप यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आए, आपने सोचा कि मैं एक बार इसको फिर से कॉल करूंगा तो मेरे को एक नया इंस्टांस मिलेगा, नया इंस्टांस मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इंस्टांस अगेन, मैंने यहाँ पे लिखा इंस्टांस अगेन, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा, और आपने सोचा कि मैं सिंगलटन डॉट गेट इंस्टांस कॉल करूंगा तो मेरे को एक और नया इंस्टांस मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो तो जो नया रेफरेंस वेरिएबल है वो पुराने इंस्टांस को ही रिफर करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो अब अगर नया ऑब्जेक्ट बनता है तो नीचे वाले केस में वैल्यू 100 आना चाहिए, और अगर वो पुराना ऑब्जेक्ट ही है तो नीचे वाले में 200 वैल्यू आना चाहिए। तो आप यहाँ पर आए, आपने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी, आपने इसको रन किया, तो देखो नए वाले में आपको कितना मिला, 200 ही मिला। इसका मतलब कि आपका सेकेंड टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, जो प्रीवियसली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है आपको वही यहाँ पर देखने को मिला है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? अब ये तो किसका एग्जाम्पल था आपका, तो ये एग्जाम्पल था आपका ईगर इनिशियलाइजेशन का, एग्जाम्पल किसका था आपका, ईगर इनिशियलाइजेशन का। सिमिलरली अगर अपन बात करें अब इसके बाद में, तो इसके बाद में आता है आपके पास में लेजी इनिशियलाइजेशन। अब लेजी इनिशियलाइजेशन क्या होता है, तो अपन वो देखते हैं यहाँ पर। तो अगर मुझे ऐसा कुछ देखना है तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव एज किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने क्या किया है, ईगर की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर लेजी इनिशियलाइजेशन। अब लेजी इनिशियलाइजेशन में मैंने क्या बोला है कि आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो कब क्रिएट होगा, बाद में जब आपको रिक्वायर्ड होगा तभी क्रिएट होगा। तो आप यहाँ पर देखो, आपने क्या करा है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर आकर ये जो लिखा हुआ है ना, आपने ये लाइन यहाँ से तो हटा दी, आपने लिखा स्टैटिक प्राइवेट सिंगलटन इंस्टांस। अब आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, अब यहाँ आने के बाद में आप लिखेंगे कि इफ इंस्टांस इक्वल्स टू इक्वल्स टू, अगर नल है ना, अगर ये नल है तो आप क्या करोगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और प्रिंट ln में आप क्या करोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे गेट्स एंट्री,
ठीक है, आपने ऐसा लिखा और उसके बाद में आप क्या लिखोगे, इंस्टांस इक्वल्स टू, और आपने यहाँ पर ही ऐसा लिख दिया, और यहाँ से फिर आपने क्या कर दिया है, इंस्टांस को रिटर्न कर दिया। क्लियर है, समझ में आया क्या? आपने कुछ नहीं करा यहाँ पर, जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे आपने इसको यहाँ से हटा दिया, आपने वहां पे सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर ही रहने दिया, आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया। तो आपने उसको इनिशियलाइज कहाँ किया है, तो ये जो गेट इंस्टांस नाम की मेथड है आपने इसके अंदर लिख दिया कि अगर इंस्टांस इक्वल्स टू इक्वल्स टू नल होता है, मतलब ये जो इंस्टांस है अगर ये इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हुआ है, नल है, तो अब उस केस में आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप लिखोगे गेट्स एंट्री प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद में आप क्या लिखोगे, इंस्टांस इक्वल्स टू न्यू सिंगलटन, मतलब आपने यहाँ पे नया एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस इंस्टांस के अंदर आपने उसको सेट कर दिया। और फाइनली अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आकर आप उसे रिटर्न करवा दोगे इंस्टांस। ले रहे यहाँ तक, ठीक है, तो अगर इसको आप चला कर देखो, तो आप देखो यहाँ पर मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, ये अपना था एग्जांपल टू है ना, तो मैंने यहाँ पे इसे कर दिया टू, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या हो रहा था, यहाँ पर ही आपको इंस्टांस ऐसे प्रिंट होते हुए देखने को मिल रहा था ना, जब डिस्प्ले मेथड कॉल्ड हुई थी तब, है ना। और अब देखना यहाँ पे ध्यान से, और यहाँ पर आपने दो बार गेट इंस्टांस नाम के मेथड को कॉल किया था। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर इसे कंपाइल करने की कोशिश करी, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, आप यहाँ पर आए, आपने इसको रन किया, अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले तो डिस्प्ले मेथड कॉल जब हुई तो यहाँ पर आपको क्या मिला, नल मिला, मतलब मेथड कॉल हुई तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। फिर जब फर्स्ट टाइम है ना आपने गेट इंस्टांस को कॉल किया, तो फर्स्ट टाइम में आपको क्या मिला, ये गेट एंट्री वहां पर चला है ना, वन टाइम आपको उसके अंदर एंट्री मिली, 100 प्रिंट हो गया, 200 प्रिंट हो गया। लेकिन जब ये वाला प्रिंट करवाना था तो उसके पहले आपने यहाँ पर एक और बार गेट इंस्टांस को कॉल किया था ना, तो जब आपने गेट इंस्टांस को कॉल किया तो उस केस में आपको इस इफ के अंदर एंट्री नहीं मिली, इस इफ के अंदर एंट्री आपको सिर्फ एक ही बार मिली जब आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्रिएट हुआ था, तब सेकेंड टाइम आपको इसके अंदर एंट्री ही नहीं मिली। क्लियर है, तो ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल किसका है, आपके लेजी इनिशियलाइजेशन का। लेजी इनिशियलाइजेशन मतलब कि जब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, जब आपने गेट इंस्टांस नाम के मेथड को कॉल किया तभी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके बाद में, तो ये तो अपने एक सिंपल सा ऐसा कंसेप्ट देखा है ना अपना सिंगलटन क्लास का, जिसमें आपने ईगर इनिशियलाइजेशन और लीजी इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट डिस्कस किया, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके बाद में, तो इसके बाद में आपके पास फिर एक नया टॉपिक आता है, दैट टॉपिक इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। अब लेकिन ये मेथड ओवरलोडिंग किसका कंसेप्ट है, किसके अंडर में आता है, मेथड ओवरलोडिंग किसके अंडर में आता है, हाँ पॉलीमॉर्फिज्म है ना। मेथड ओवरलोडिंग की अगर अपन बात करें तो किसके अंडर में आता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर में आता है। तो अब देखते हैं अपन क्या और कैसे, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पर ओपन किया पेंट, यहाँ पर आए। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जैसे कि मैंने आपको क्लास के बारे में बता दिया था, मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया था, मैंने आपको यहाँ पर इनकैप्सुलेशन के बारे में बता दिया था, राइट। ये तीन चीजें हमारी कवर अप हो गई थी। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमें देखना है यहाँ पर किसके बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, है ना। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर आकर एक बार मेंशन करता हूँ, यहाँ पर आपने क्लास के बारे में देख लिया था उप्स के कंसेप्ट्स में, ठीक है। उप्स के कंसेप्ट्स में आपने यहाँ पे क्लास देख लिया था, क्लास के बाद आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख लिया था,
ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर आपने यहाँ पर इनकैप्सुलेशन देख लिया था, ठीक है। इनकैप्सुलेशन के बाद में अगर अपन बात करें तो अभी आपको जो देखना है वो देखना है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म आपको देखना है। ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ हो चुकी है अपनी, है ना, ये वाली चीज़ आपकी क्या हो चुकी है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अभी अपने को जो देखना है वो देखना है क्या अपना पॉलीमॉर्फिज्म। अब अगर अपन बात करिए पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता क्या है, तो क्या समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म मतलब? क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स? पॉलीमॉर्फिज्म में मतलब हाँ आप ऐसा बोल सकते हो कि हियर पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ्स मीन्स फॉर्म्स विच मीन्स मोर देन वन फॉर्म। ठीक, पॉली मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो पॉली मीन्स मैनी है ना, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ्स मीन्स फॉर्म्स है ना, विच मीन्स more than one form। या ऐसा बोल सकते हैं polymorphism is derived from है ना Greek words है ना, polymorphism is derived from two Greek words where poly means many and morphs means forms, ठीक है, which means more than one form। क्या बोलोगे polymorphism derived from Greek word है ना, है ना, पॉलीमॉर्फिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, हियर पॉली मींस मैनी एंड मॉर्फ्स मींस फॉर्म व्हिच मींस मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म को आप कैटेगराइज करते हो किसमें, दो टाइप्स में। सबसे पहला क्या आता है आपके पास में, तो सबसे पहला आता है आपके पास में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और एक और क्या आता है आपके पास में यहाँ पे, तो एक आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप क्या बोल सकते हो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप स्टैटिक बाइंडिंग बोल सकते हो। वहीं अगर अपन बात करें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप क्या बोलोगे, डायनामिक बाइंडिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, इसको बोल सकते हो अर्ली बाइंडिंग, और इसको आप क्या बोलोगे, लेट बाइंडिंग। है ना, मतलब इसको और करके बोल रहे अपन है ना यहाँ पर, और है ना कि आप ये भी इसको बोल सकते हो। फिर क्या आता है, तो आप यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हो, कंपाइल टाइम को स्टैटिक बाइंडिंग भी बोल सकते हो, अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हो, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डायनेमिक बाइंडिंग भी बोल सकते हो या लेट बाइंडिंग भी बोल सकते हो। अब अगर अपन बात करें इसमें, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की अगर अपन बात करें है ना, अगर अपन यहाँ पर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, तो इसमें आप क्या बोलोगे, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आप बोलोगे सेम नेम मेथड है ना, आप क्या बोलोगे, सेम नेम मेथड है ना, मतलब सेम नेम की क्या होगी आपके पास में, मेथड होगी। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, सेम नेम मेथड विथ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, सेम नेम मेथड विथ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और विथ सेम नेम मेथड विथ सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है ना, बट विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, आप क्या बोलोगे, सेम नेम मेथड विथ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बात ही खत्म, और नहीं तो विथ सेम नेम मेथड विथ सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, सेम नेम के मेथड के साथ में सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर आ गए, बट विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स है ना, बट विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स है ना, अलग अलग डेटा टाइप्स।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये यहाँ तो ये क्या बोलोगे, ये तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। इसके अलावा अपन इसमें और क्या बोल सकते हैं, लाइज इन है ना सेम क्लास है ना, यहाँ पर जो दोनों मेथड होगी ये कहाँ क्या लाई करेगी, तो लाइज इन सेम क्लास, सेम क्लास के अंदर ही दोनों मेथड क्या करेगी यहाँ पे लाई करेगी। ठीक है, इसके अलावा नो इनहेरिट मैकेनिज्म इज प्रेजेंट है ना, नो इनहेरिट मैकेनिज्म इज प्रेजेंट मतलब यहाँ पे कोई भी इनहेरिट मैकेनिज्म नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक ही क्लास में लाई करेगा तो एक से ज्यादा क्लास तो होगी नहीं, इनहेरिट मैकेनिज्म तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये जो आपने पॉइंट बताए ये किसके पॉइंट है आपके, ये आपके कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के पॉइंट्स। क्लियर है क्या यहाँ तक? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है ये अपन फिर देखेंगे है ना, जब अपन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे। अभी आपने क्या देखा है यहाँ पर, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक बाइंडिंग या फिर अर्ली बाइंडिंग, इस केस में आप क्या बोलोगे, सेम नेम मेथड विद सेम विद डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और विद सेम नेम मेथड विद सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है ना, बट विद डिफरेंट डेटा टाइप्स, लाइज इन द सेम क्लास है ना, नो इनहेरिट मैकेनिज्म इज प्रेजेंट। क्लियर है? तो चलते अपन यहाँ पर देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे क्या फ्रेम होगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो अपन आते हैं इसको अपन सेव एज कर लेते हैं यहाँ पर, मैंने करा है डेमो 3, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग राइट है ना। अब यहाँ पर अपन आ गए, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, ये तो सारी चीज़ें अपन यहाँ से हटा देते, ये सब कुछ हटाया, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है डेमो 3, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, ये सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है डेमो 3, डेमो 3 ओ बी जे इक्वल्स टू, डेमो 3 ओ बी जे 1 है ना इक्वल्स टू, मैंने लिखा है न्यू, मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो 3, अपन यहाँ पर आ गए। सिमिलरली मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो ठीक है एक ही ऑब्जेक्ट से काम हो जाएगा, मैंने अब यहाँ पे क्या किया है obj1 डॉट, मैंने किसको कॉल कर लिया है यहाँ पर, ग्रेटर नाम के मेथड को मैंने कॉल कर लिया, ग्रेटर नाम के मेथड को कॉल करके मैंने क्या पास कर दिया, मैंने दो आर्गुमेंट पास कर दिया। सिमिलरली अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है ठीक है, मैंने ये ऐसा लिख दिया। अब अपने को करना क्या रहेगा, तो यहाँ पर मुझे ग्रेटर नेम की मेथड बनानी रहेगी, ग्रेटर नेम की मेथड बनानी रहेगी तो अपन कैसे करेंगे, तो देखते हैं अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अपन, और यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है सिंपली वॉइड ग्रेटर, वॉइड ग्रेटर में मैंने क्या लिखा है इंट ए कॉमा इंट बी, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो इंट आर ई एस इक्वल्स टू, अगर ए बड़ा होगा बी से तो ए, नहीं तो बी। फाइनली आप क्या करेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट एलन, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर में आपने क्या प्रिंट करवा दिया आर एस, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं कर रहा है, आपने यहाँ पर ग्रेटर नाम के मेथड को कॉल किया है, 12-13 ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद में आपने क्या कर दिया यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर लगाकर उसको चेकिंग परफॉर्म कर ली है और आर एस को आपने प्रिंट करवा दिया है। सिमिलरली आपने इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आ गए, आपने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर अगर आप क्या लिखेंगे इंट ए इंट बी, और आपने कितना लिख दिया है इंट सी, आप यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर ए बड़ा होता है बी से तो चेक करोगे क्या ए बड़ा है सी से, अगर हाँ तो ए, नहीं तो सी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि क्या बी बड़ा है सी से, अगर हाँ तो बी, नहीं तो सी, यहाँ पर आपने ग्रेटर नंबर को प्रिंट करवा दिया। कंडीशनल ऑपरेटर आई थिंक आप लोगों को आता है ना, कंडीशनल ऑपरेटर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था है ना, दो नंबर के बीच में ग्रेटर नंबर कैसे निकालना है और दो से ज्यादा के बीच में कैसे निकालना है, वो सारी चीजें। ठीक है, अपन इसको प्रिंट करवा कर देख लेते हैं कैसे क्या आउटपुट आपको मिलेगा। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, तो मैंने लिखा यहाँ पर डेमो 3, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है, मैंने यहाँ पर आकर इसे रन किया,
रन करने पर आप देखेंगे आपको कितना मिला, ग्रेटर नंबर 23, ग्रेटर नंबर 33। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, सिमिलरली अगर अपन बात करें तो आप इसी एग्जाम्पल को इसमें बोल सकते हो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के केस में भी आप ले सकते हो। कैसे? तो आप यहाँ पर आए, आपने से फोर किया, आप यहाँ पर आए, आपने से यहाँ पर फोर लिखा, राइट। अब आप यहाँ पर आ गए, अपने से फोर किया, यहाँ पर भी आपने इसको क्या कर दिया, फोर कर दिया। और अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर ये ऐसा लिख लिया। ठीक है, आप यहाँ पर आए, अपने से कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पेस्ट किया। ठीक है, आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर आपने कितना कर दिया, कुछ इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर आकर अब आप करोगे क्या, आप इसको वन और इसको क्या कर दोगे, टू। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपको करना क्या रहेगा, यू नीड टू राइट डेमो फोर। Here also you need to write demo. Clear है यहाँ तक? आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आ गए, आपने यहाँ पर आकर इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल होगा, आपने इसको रन किया, आपको आउटपुट मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? वहीं अगर अपन बात करें तो इसमें तो क्या हुआ, इसमें आपने सेम नेम की मेथड बनाई है विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अगर सेम नेम की मेथड विद सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर हो जाते हैं तो फिर उस केस में क्या, अब उस केस में अगर अपन देखें यहाँ पर कि जैसे कि आपको दिख रहा है, अपन आते हैं अपने पुराने एग्जांपल पे थ्री वाले पर, मैंने इसको यहाँ पर सेव एस किया, सेव एस करके मैंने इसे क्या करा यहाँ पर फाइव। अपन आते हैं अब यहाँ पर, यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही है अपना, यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पर फाइव। अब यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने बोला है कि दोनों में दो दो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, दोनों में दो दो आर्ग्यूमेंट है, लेकिन अब डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, तो एक में मैंने इंट डबल कर दिया और एक में मैं क्या कर दूंगा, डबल इंट कर दूंगा। अब एक में मैंने इंट और यहाँ पे क्या कर दिया है, डबल, और एक में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो एक में अपन कर देंगे यहाँ पर डबल और इंट। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो अब अगर आप यहाँ पर बात करो कि जैसे कि अब आपका ये प्रिंट होगा, तो ध्यान से देखना, अब इंट डबल कर दिया है आपने, तो अब एक चीज ये बताओ कि ए और बी में से जो भी बड़ा होगा वो जाकर आपका आर ई एस में सेट होगा। अब अगर इंटीजर बड़ा है तो डेटा टाइप इंटीजर चल जाएगा, लेकिन अगर डबल बड़ा हुआ तो वो इंटीजर में आएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो फिर उस केस में मैं यहाँ पर डबल लिख सकता हूँ क्या, तो इससे ये होगा कि डबल बड़ा हुआ तो डबल में आ जाएगा, लेकिन अगर इंटीजर भी बड़ा हुआ तो वो भी डबल में आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसका रिटर्न टाइप देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, डबल ही लिखना रहेगा। और यहाँ पर भी आप क्या करोगे, तो यहाँ पर भी आकर आप क्या लिख लोगे, डबल। यहाँ पर आप क्या कर लोगे, बस उसको प्रिंट करवा दोगे। आपने उसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, आपने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसे क्या करा है, कंपाइल करने की कोशिश करिए, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है, मैंने रन किया, ग्रेटर नंबर 12, ग्रेटर नंबर 33। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसमें किसी कोई दिक्कत? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें, है ना, ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, है ना। अब अगर अपन बात करें कि अगर ऐसा कुछ केस होता है, अगर अपन बात करें कि ऐसा कुछ केस होता है कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है इंट ग्रेटर, ठीक है, और मैंने लिखा है यहाँ पर डबल ग्रेटर, ठीक है, और सॉरी मैंने लिखा ग्रेटर, ग्रेटर में मैंने लिख दिया 45 और मैंने लिखा 56, ठीक है। अब अगर मैंने लिखा है 45 और 56, तो अब बताओ अब कौन सी मेथड चलेगी। अगर मैंने लिखा है ग्रेटर 45 और 56, है ना, अब यहाँ पे मैंने दो मेथड क्रिएट करी है, कौन सी मेथड चलेगी, एक फंक्शन की कॉलिंग दो मेथड कॉल होती है, डबल वाली, अगर अपन बात करें कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, इट्स एन एरर केस। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप जो रिटर्न टाइप करवा रहे हो, ये तो इंटीजर या डबल रिटर्न करवा रहे हो, तो रिटर्न तो बाद में होगा ना, पहले आप एंट्री तो करो।
आपने रिटर्न टाइप लिखा, तो रिटर्न टाइप क्या बोलता है, वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन वैल्यू रिटर्न कब करेगा, फंक्शन के अंदर जब आपको एंट्री मिलेगी तभी तो आप रिटर्न करोगे ना। पहले आप कॉलेज में एडमिशन लोगे फिर प्लेसमेंट मिलेगा, तो पहले कॉलेज में तो एडमिशन लो। सिमिलरली आपने लिखा ग्रेटर और 45 और 56, तो आप ये ग्रेटर 45 56 ये ऊपर वाले फंक्शन के अंदर जा रहे हो या इसके अंदर जा रहे हो, ये मैटर करता है। रिटर्न टाइप तो बाद की बात है ना, जब आप एंट्री करोगे उसके बाद में वैल्यू रिटर्न होगी, तो उसके भी पहले यहाँ पर ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वो तो डिलेमा की सिचुएशन में तो यहीं पर आ गया है ना कि ऊपर भी ग्रेटर इंटेंट है नीचे भी ग्रेटर इंटेंट है, तो मैं किस में जाऊँ। उस प्रॉब्लम की वजह से इट्स एन एरर केस है ना, कि वो आपको एरर देगा। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट था, छोटा सा कंसेप्ट था किसका, आपके कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके बाद में फिर क्या कंसेप्ट आता है, तो इसके बाद में फिर कंसेप्ट आता है आपके पास में, बताने को तो सुपर कीवर्ड है, क्योंकि मैंने जैसे आपको फाइनल कीवर्ड बताया, मैंने आपको स्टैटिक कीवर्ड बताया, वैसे ही मुझे आपको बताना है सुपर कीवर्ड। लेकिन सुपर कीवर्ड आपका तभी एग्जिस्टेंस में आता है या तभी आप उस पर वर्क कर सकते हो जब आपको लिटिल बिट नॉलेज होगा आपके इनहेरिटेंस का, है ना, कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेने के बाद में, एक बेसिक सा एग्जांपल बताने के बाद में, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा सुपर कीवर्ड का कंसेप्ट, और उस सुपर के बाद में फिर अपन चलेंगे यहाँ पर किसके कंसेप्ट के ऊपर, इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के ऊपर। अभी इनहेरिटेंस क्या होता है ये एक बार आप गो थ्रू करेंगे, बाकी इस तरीके का कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।